साथियों नमस्कार, हमारे साथ में उपस्थित हैं विधानसभा सुराव में माननीय मुख्य अतिथि आज इस कार्यक्रम में आए थे नकुल दुबे जी। हम बात करने की कोशिश करेंगे बहुजन समाज पार्टी का माहौल क्या है विधानसभा चुनाव में, यहाँ पे आए हैं क्या कैसा माहौल है जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या माहौल लगा आपको यहाँ आने से? देखिए प्रयाग इस इलाहाबाद जनपद में मैं कल से ही यहाँ पर हूँ और हम माननीय अशोक गौतम जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कुराँव बारा चायल मंझनपुर इलाहाबाद उत्तरी इस टाइम सुराव में आप चले हैं और आई और क्या बोलते हैं अब यहाँ से बाबागंज हटिया, तो इन सब जगहों पर आप कहीं भी पता करें तो हर जगह बहुजन समाज पार्टी की एक लहर सी चल रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से वो शुभ दिन आए, हम लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाएं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर आसीन करें और इस प्रदेश में जो एक हताशा उदासी और बदहवासी का माहौल चल रहा है उस माहौल को समाप्त करते हुए कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का कार्य करें। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पार्टी जो है बड़े बड़े बोर्डों में 350 पार की दावा कर रही है। जी जी जी, तो जैसे वो लिखे ना कि 4.5 लाख वोट 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी हैं और फिर जब लोगों ने उसकी इंक्वायरी किया तो उन्होंने उसको उतार लिया, तो जिस दिन से आप 350 के सीटों के पीछे पड़ जाएंगे उस दिन से वो 350 वाले या तो उसमें से एक अंक हटा लेंगे कोई, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला, तो इधर तो 35 रह जाएंगे उधर 50 रह जाएंगे, तो उनकी स्थिति यही होने वाली है और उत्तर प्रदेश की जनता हर कोई त्रस्त है और हर कोई परेशान है, हर कोई बस सिर्फ एक सबका टारगेट है एक का लक्ष्य है कि कैसे भी हो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात मिले, इस ठाकुर अजय सिंह विश्व से हम लोग का उत्तर प्रदेश जो है मुक्त हो। बहुजन समाज पार्टी जो है बात करती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या इस हिसाब से सबको टिकट देगी? देखिए अब ये जो सवाल है वो हमारे बगल में खड़े हैं अशोक गौतम जी, ये उनसे करिए, हमारा कार्य है कि जो भी हाथी पर बैठ कर के आएगा या हाथी का वो सिंबल लेकर के आएगा उसका परीक्षण करने का अधिकार हमें नहीं है, हमें सिर्फ एक है कि इस वक्त हमको उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सके जो कि आदरणीय बहन जी दे सकती हैं, हमारे प्रदेश में महंगाई पर लगाम लगे जो कि माननीय बहन दे सकती हैं, किसानों को आय दुगनी हो जो कि माननीय बहन दे सकती हैं, जब ये सारे कार्य हम जानते हैं कि माननीय बहन दे सकती हैं तो प्रत्याशी जो भी हाथी पर बैठ करके आएगा वही हमारा प्रत्याशी उसको जिताएगा। बात करें सर तो किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन जो है 9 से 10 महीने लगातार चल रही है लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, उस पर क्या नज़र है सर? ये सत्ता का गुरूर है, सत्ता का घमंड है कि भाई आप किसानों के लिए कानून लाना चाहते हो और किसान कह रहा है भैया ऐसा है हमारे पास बीघा 2 बीघा 4 बीघा, और देखिए वास्तव में कि गाजियाबाद का जो किसान है नोएडा का जो किसान है पंजाब का जो किसान है उसको दिक्कत नहीं उतनी होने वाली है, लेकिन जो आपका यूपी का किसान है जिसके पास 2 बीघा है 2.5 बीघा है 3 बीघा है 4 बीघा है 1 बीघा है उसकी तो एकदम मिट्टी पलित कर देगी ये आपकी जो ये जो अंबानी अडानी का जो गेम शुरू हुआ है जो उन्होंने गोदाम अभी तैयार कर दिए हैं जगह जगह पर, आपके इधर भी आप लोग गोदाम उनके बन गए होंगे, तो अगर उसको इस कानून को कहीं लागू होने दिया गया, ये कानून अगर कहीं लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बीघा बीघा 2 बीघा ज़मीन को अपनी कह पाएगा, एक बार अगर वो भाई एग्रीमेंट तो करने करना है बात कानूनी बात हो गई, एग्रीमेंट आपने कर लिया तो आपको भूखों मरने की आपकी निश्चित रूप से नौबत आई ही हुई है और नौबत आएगी, इसलिए हम सब लोगों को इन तीनों काले कानूनों का पुरजोर विरोध करना चाहिए और आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में ये कानून कदापि लागू न हो सके। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, बहुजन समाज का जो युवा है सर्व समाज का जो युवा है सोशल मीडिया पर लगातार पढ़ने को मिल रहा है चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहा है, क्या कहेंगे? तो हम भी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं मोबाइल चलाते हैं, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये जब आपको ये सब लोग चुनाव के आसपास दिखाई पड़ेंगे और जैसे जैसे वोट इलेक्शन के डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे धीरे धीरे आपको धरातल में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, ये विरोधी पार्टियों द्वारा भेजे जाते हैं। हम आपसे बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जिस दिन वोट पड़ना शुरू हो जाएगा उस वोट पड़ने के दिन आपको हर जगह हाथी ही हाथी नीला ही नीला दिखाई पड़ेगा, इतने लोग हैं सब जो है आपको धरातल में या धरातल के नीचे दिखाई पड़ेगी। ठीक सर, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी है, जिंदाबाद।
मजबूरी है, नहीं जरूरी है। तुम संघर्ष करो।